लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक रेक्टेंगल्स, पॉलीगन्स, क्लाउड, ओवल शेप एंड कनेक्टर लाइंस यूजिंग ड्राइंग टूल्स इन एडोबी एक्रोबैट प्रो डीसी। तो चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा जो सारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है और ये जो सारा फीचर है इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो आप देखेंगे कि रेक्टेंगल, ओवल, पॉलीगन, क्लाउड एंड कनेक्टेड लाइंस का ऑप्शन यहाँ पे है। तो हम शुरू करते हैं रेक्टेंगल के साथ और एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पॉलीगन का। पॉलीगन मतलब मल्टीपल साइड्स हैं उसमें, तो मैं यहाँ पे एक पॉलीगन्स ड्रॉ कर रहा हूँ और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक सिम्बॉल दे रहा है जो एक क्लोज करने का तरीका है और मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। अब हम तीसरे शेप की बात करेंगे और वो है क्लाउड का, और क्लाउड भी किसी शेप का आप कर सकते हैं। लाइक देखिए मैं ऐसा शेप बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। जो चौथे शेप है वो है ओवल शेप का और ओवल शेप में मैं देखिए मैं एक ओवल शेप बना दिया। यहाँ पे यदि आपको नोट ऐड करने की ज़रूरत है तो आप नोट भी ऐड कर सकते हैं। ये नोट ऐड करने का फीचर सिर्फ ओवल के साथ नहीं है, सबों के साथ आप नोट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट है कनेक्टेड लाइंस का, और कनेक्टेड लाइंस में डिफरेंस क्या है कि सारा इनक्लोज्ड स्पेस है बट कनेक्टेड लाइंस इनक्लोज्ड स्पेस नहीं होता है। तो देखिए मैं एक और मैं क्या करता हूँ कि इसको कंप्लीट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके कंप्लीट कर दिया तो ये हमारा कनेक्टेड लाइंस बन गया। इसमें डिफरेंस क्या है कि सारे इनक्लोज्ड हैं, ये इनक्लोज्ड नहीं है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे पहले रेक्टेंगल की ओर और इसे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टाइल्स का। उसमें स्टाइल्स में आप क्या कर सकते हैं, लाइन का जो टाइप है उसका उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके लाइन में बदलाव कर रहा हूँ, इसके थिकनेस में बदलाव कर सकते हैं, थिकनेस में इसे कलर में, अभी फिलहाल रेड है मैं इसे ग्रीन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे फिल कलर का ऑप्शन है। ये फिल कलर का ऑप्शन तभी आता है जब कोई उसमें इनक्लोज्ड स्पेस है। यहाँ पे आप देखेंगे सारे ऑप्शन में इनक्लोज्ड स्पेस है, तो यहाँ पे आप फिल कलर यूज कर सकते हैं। और फिल कलर अंदर का कलर क्या होगा उसकी बातें हो रही है, तो मैं इसके अंदर में ब्लू कलर एक सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ओपेसिटी की बात हो रही है जो 100% है। यदि आप लोअर करना चाहते हैं तो आप इसे लोअर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओपेसिटी लेवल है वो कम हो गई है और आपको डीम वे में दिख रहा है। अब इसे ओके करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब हम सिमिलर वे में जो हमारा जो पॉलीगन है उसके में भी बदलाव कर सकते हैं। ये हम लाइन टाइप, थिकनेस, कलर चेंज, फिल कलर, इसके में इसके सारे प्रॉपर्टीज में बदलाव कर दिया। ओपेसिटी में भी बदलाव कर सकते हैं यदि इच्छा है तो। इसमें आप स्टाइल्स में आप क्लाउड फीचर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिलहाल मैं इसका ऐसा या डिफरेंट क्लाउड, एक और क्लाउड का ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप ऐसा भी बदल सकते हैं। एक क्लाउड का ऑप्शन ऑलमोस्ट सारे इनक्लोज स्पेस लाइक रेक्टेंगल में है और पॉलीगन शेप में भी है। यहाँ पे सिमिलर वे में भी आप प्रॉपर्टीज में बदलाव कर सकते हैं, थिकनेस। तो मैं यहाँ पे सबों को रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं चला जाता हूँ ओवल शेप में। ओवल शेप में देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है हमारे पास। प्रॉपर्टीज और ये जो लाइन टाइप है इसमें भी आप क्लाउड फीचर यूज कर सकते हैं, या डिफरेंट लाइन थिकनेस, डिफरेंट स्टाइल, लाइन थिकनेस, कलर, फिल कलर, इसमें भी एग्जैक्टली सेम ऑप्शन है। तो मैं इसे क्या करता हूँ कि क्लोज करता हूँ और मैं चला जाता हूँ कनेक्टर लाइंस के प्रॉपर्टीज में। और कनेक्टर लाइंस के प्रॉपर्टीज में एक स्टार्क डिफरेंस क्या है कि ये इनक्लोज्ड स्पेस नहीं है। तो फिलहाल अब हम क्या करते हैं कि इसका स्टार्ट लाइन या लाइन टाइप है, इसके सपोज हम क्लोज्ड एक स्पेस देते हैं। यहाँ पे एक और डिफरेंट शेप मैं दे रहा हूँ एंडिंग में, तो देखें कि मैंने एक एंड लाइन एंड जो पॉइंट है वहाँ पे डिफरेंट एंडिंग किया।
लाइन टाइप, लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, थिकनेस में बदलाव कर सकते हैं, कलर में बदलाव कर सकते हैं, और फिल कलर यहाँ पे एक ऑप्शन है क्योंकि मैंने फिलहाल जो एंडिंग दिया है वो इनक्लोज स्पेस है, तो यहाँ पे फिल कलर का ऑप्शन आ गया है। आप देखें कि यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, इसका ओपेसिटी लेवल भी चेंज कर सकते हैं, और मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने सारे शेप देखा बट आपके आपके यहाँ सर्कल का ऑप्शन नहीं है, तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ओवल शेप को ही यूज़ कीजिए, और उस शेप को यूज़ करते हुए आप शिफ्ट की को प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जो सर्कल का फॉर्मेशन है, सर्कल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो आप ओवल से भी सर्कल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप शिफ्ट की को दबाए हुए रखें और इसे सिर्फ ड्रैग करें। इसे मूव करने की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे जाएं और एक क्रॉस का सिंबल आ रहा है, इसे आप मूव कर सकते हैं इजिली। सिमिलरली इसे भी आप मूव कर सकते हैं, इसे आपको छोटा बड़ा करने की ज़रूरत है तो कोल इसके कॉर्नर पर जाएँ और इसे छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम इस ट्यूटोरियल को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा है कि आपको ये जो डिफरेंट ड्राइंग टूल्स है उसको समझने में मदद किया होगा।